हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और रैशनल एक्सपेक्टेशंस। ये अपन एज ए फिलिप्स कर्व से पहले करने वाले हैं। फिलिप्स कर्व कौन सा वाला? लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस आपने देखी होगी जो अपन ने फिलिप्स कर्व पे बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई कार्ड पे आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेकआउट कर लेना ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी समझ में आ जाए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से। अगर अपन अडेप्टिव और रैशनल एक्सपेक्टेशन की बात करें तो अगर मैं आपको ओवरव्यू बताऊं सबसे पहले अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का, तो अगर अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को अडेप्ट कर जाना। अडेप्ट कर जाना यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल अडेप्ट की डेफिनेशन अपन समझते हैं। ठीक है, अडेप्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ठंड आ रही है तो आप धीरे धीरे क्या करोगे? ठंड को अडेप्ट कर लोगे। ठीक है, डे टू डे लाइफ में आप स्वेटर पहनने लग जाओगे, अपने ऐसे काम करने लग जाओगे जिससे आपको क्या हो, ठंड ना लगे। मतलब आप क्या करोगे, उसके हिसाब से ढल जाओगे, चीज़ों के हिसाब से ढल जाओगे। वही क्या होता है, अडेप्ट करना कहलाता है। तो जब अपन बात करते हैं अडेप्ट को इकोनॉमिक्स से रिलेट करके, तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस यानी मतलब इकोनॉमी में जो भी चीज़ें चल रही है उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेना। समझे इस बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि मतलब अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन्फ्लेशन के हिसाब से अडेप्ट हो जाना, वो होता है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। अब यहाँ पे ये कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा तो वो अपन समझते हैं और आपको बताता हूँ मैं आगे चल के। तो स्टार्ट करते हैं अपन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से। द अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट लुक्स एट द पास्ट एक्टिविटी टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। मतलब ये क्या कहना चाह रही है, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या एक हाइपोथेसिस है। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, पहले जो हुआ उसके बेसिस पे अपन आगे की चीज़ देखते हैं। ठीक है, वही अडेप्ट करना कि मतलब अगर ठंड आ रही है तो धीरे धीरे अडेप्ट करना और उसके हिसाब से ढल जाना और वैसे ही काम करना जो उसके फायदेमंद में है। ठीक है, कि स्वेटर पहन लेना ये क्या है, ऐसे फायदेमंद है। अपन क्या कर रहे हैं, अडेप्ट करके खुद को उससे सुरक्षा कर रहे हैं, किससे, ठंड से। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, अगर अपन इकोनॉमिक के वे में समझते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन वीट का एग्जाम्पल लेते हैं, वीट का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, वीट का एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि जैसे देखो क्या होता है, हर साल वीट की प्राइस 5 रुपये बढ़ जाती है। जैसे अभी कितनी चल रही है वीट की प्राइस, 20 रुपीज़ चल रही है, तो हर साल ये 5 रुपये बढ़ रही है। जैसे ये फर्स्ट साल 5 रुपये बढ़ी, कितनी हो गई, 25 हो गई। फिर अगली साल 25 में 5 रुपये बढ़ गए, तो ये दूसरे साल हुआ। अब तीसरे साल क्या हुआ, 30 के अंदर 5 रुपये बढ़ गए, ये तीसरे साल हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं चौथे साल क्या होने वाला है, तो आपका आंसर यही होगा कि हाँ यार 5 रुपये बढ़ने जैसे आसार है, मतलब शुरू से यही होता हुआ आ रहा है। तो ये क्या है, एज अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है। मतलब आप पहले क्या हुआ उसके बेस पे अगर आप आगे वाली चीज़ें प्रिडिक्ट करोगे, देखोगे कि क्या होने वाला है और उसको अपने अनुमान से निकालोगे, कि मतलब आप उसका अनुमान लगाओगे, उसका प्रिडिक्शन करोगे, तब क्या होगा, उसको अपन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस कहते हैं। समझे इस बात को, कि ये होती है अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। ठंड का अगर अपन ऐसे ही एग्जाम्पल ले, तो जैसे मान लो कि दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर चलने वाला है, आने वाला है, तो अपन पिछली बार देखा कि यार दिसंबर में ठंड बहुत जोर से आ गई थी, रजाई कंबल निकालने हैं। फिर अपन ने अगले साल भी देखा, नहीं यार दिसंबर में वास्तव में आजकल ठंड आने लग गई बहुत तेज, अपन दिसंबर में रजाई कंबल निकाल लेते हैं। तो अगली बार आप पहले से ही ये सोच लोगे कि हाँ यार दिसंबर में ठंड आने वाली है, पहले से ही निकाल करके रख लो, ये इस बात मानते हो आप। तो यही चीज इसके हिसाब से भी है, ये एज ए अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस है। तो ये थ्योरी दी किसके द्वारा थी, मतलब ये हाइपोथेसिस किसने निकाली थी, तो ये करी थी मिल्टन फ्रिडमैन ने। कब करी थी, 1957 में। ओके, ये चीज समझे। अब ये क्या है, एज ए बैकवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग यानी पास्ट चीजें देखते हैं, पास्ट के बेसिस पे अपन फ्यूचर का प्रिडिक्शन करते हैं। ठीक है, ये अपन देखते हैं। अगर अपन और देखें, दिस थ्योरी स्पेशली कंसर्न विद द इन्फ्लेशन रेट। अब ये थ्योरी किससे कंसर्न है, इन्फ्लेशन रेट से कंसर्न है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि 5-5 रुपये क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, किसमें, वीट की प्राइसेस में, ये अपन ने देखा। तो ये क्या बता रहा है, कि इन्फ्लेशन दिखा रहा है।
समझ रहे हैं अपन बात को, कि ये इन्फ्लेशन को शो कर रहा है कि मतलब कितनी कितनी प्राइस बढ़ती जा रही है, अपन उस हिसाब से क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। कि जैसे अगर अपन कहीं काम कर रहे हैं, अपन वर्क कर रहे हैं, तो अपन उसको बोल दें, जो भी अपना एम्प्लॉयर है उनको बोले हैं कि सर देखो प्राइसेस तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अब मेरी पेमेंट उसके लिए सफिशियंट नहीं है, जितनी प्राइसेस अभी चल रही है आप मेरी वेजेस बढ़ाओ यानी मेरी इनकम बढ़ाओ। तो अपन ये बोल सकते हैं किसके बेसिस पे, अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। समझे इस बात को, क्लियर है? ठीक है, तो ये किससे कंसर्न है, इन्फ्लेशन रेट से कंसर्न है। और द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन प्राइसेस एंड डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, और ये और किससे कंसर्न है, परचेजिंग पावर से। परचेजिंग पावर आपको पता होगा कि परचेजिंग पावर क्या होती है, और नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, परचेजिंग पावर यानी किसी भी चीज़ को खरीदने की पावर, किसकी, मनी की। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये क्या है, 10 यूनिट है और ये भी यहाँ पे 20 यूनिट है। तो पहले ये दोनों खरीदी कितने में जा रही थी, 2021 में ये 5 रुपये में 10 खरीदी जा रही थी, ठीक है, और 2023 में ये 5 रुपये में 20 खरीदी जा रही है, ऐसे मानो। तो अब क्या हो रहा है कि मतलब जब 5 रुपये में मैं 10 खरीद सकता था, फिर अब मैं 5 रुपये में 20 खरीद सकता हूँ, तो मनी की परचेजिंग पावर क्या हुई, ज़्यादा हुई, मतलब मनी ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहा है, 5 रुपये ज़्यादा चीज़ें खरीद पा रहे हैं। बट अगर अपन पहले वाले में देखें, 2021 में देखें, तो यही 5 रुपये क्या है, 10 यूनिट ही खरीद पा रहे थे। तो मतलब यहाँ पे क्या है, मनी की परचेजिंग पावर कम है। जब अपन कोई एक मनी से, मतलब अपने पास अगर 10 रुपये हैं, 10 रुपये से कुछ ज़्यादा क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं पहले के मुकाबले, तो क्या हो रही है, एक तरह से अपनी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। अगर अपन पहले ज़्यादा चीज़ खरीद पा रहे थे, मतलब पहले मैं 10 रुपये में 50 यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहा था, अब मैं 50 रुपये में सिर्फ 5 यूनिट का कंजम्पशन कर पा रहा हूँ, यानी 50 यूनिट से कम कर पा रहा हूँ, तो भी क्या हो जाएगा, ये एज अ परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा। तो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस इसका ही रिलेशन बताती है। समझे आप बात को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे अपन देखते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन का। अपन ने अडेप्टिव का तो देख लिया कि हाँ यार लोग अडेप्ट कर लेते हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अब अपन को देखना है कि रैशनल कैसे होता है, रैशनल यानी समझदार। रैशनल अपन इकोनॉमिक्स में समझदार लेके चलते हैं ना, कि क्या है इंसान, समझदार है। तो यहाँ पे भी इंसान समझदार है, ये बहुत अच्छा व्यू लेके चलता है। तो अगर अपन रैशनल एक्सपेक्टेशंस की बात करें, तो रैशनल एक्सपेक्टेशंस में पास्ट का तो देखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको वही एग्जांपल वापस बताऊँ, वीट का बताऊँ, तो सबसे पहले 20 रुपये के थे, तो उसमें 5 जुड़ गए फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर 25 रुपये के हो गए थे, फिर उसमें 5 रुपये और जुड़ गए सेकेंड ईयर में। फिर 30 रुपये के हो गए थे, उसके अंदर 5 और जुड़ गए थर्ड ईयर में। यहाँ तक समझ में आया। अब फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, फोर्थ ईयर में क्या हो रहा है, ये 35 रुपये के हैं। अब इसमें कितना जुड़ने वाला है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेचर अपना अच्छे से चल रहा था, बारिश वगैरह टाइम पे आ रही थी, सब कुछ इजीली हो रहा था, सब काम हो रहा था। इस बार क्या हुआ, बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि फसल ख़राब हो गई। अब जब आपको पता है कि फसल ख़राब हो गई, हर साल 5 रुपये तो बढ़ रहे थे, इस बार फसल भी ख़राब हो गई, तो मतलब जितने पहले गेहूं आ रहे थे उतने अभी तक आए ही नहीं हैं, मतलब और कमी है। तो आप दिमाग लगा लोगे, आप सोच लोगे नहीं यार इस बार तो 5 रुपये से ज़्यादा ही बढ़ने वाले हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आप समझदार हो, आप आज की चीज़ें भी नोटिस कर रहे हो। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लो 10 रुपये बढ़ गया, तो आपने क्या कर लिया था, एक तरह से पहले से ही प्रेडिक्ट कर लिया था एज ए रेशनल होके, कि क्या है कि इस बार यार बारिश हो गई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गई, अपनी फसल ख़राब हो गई, गेहूँ कम आए हैं मार्केट में, तो अपन को क्या करना चाहिए, अपन को ये ध्यान रखना चाहिए कि प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अपन ने ये चीज़ सोची, तो वो क्या है, एज ए रेशनल एक्सपेक्टेशन है। तो देखो पढ़ते हैं, रैशनल एक्सपेक्टेशन इज द इंडिविजुअल मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग देयर ओन एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर इवेंट, ठीक है। ये क्या कहता है कि ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के साथ जो पहले भी हुआ है, ठीक है, और जो होने वाला है, उसका क्या कर लेते हैं, अपन अनुमान लगा लेते हैं, एज ए प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि जो अपने पास है इन्फॉर्मेशन अभी करंट की और जो प्रीवियस पे भी थी, उन दोनों को मिला करके। अब ये किसने दी थी, ये दी थी जॉन एफ मुट ने, कब दी थी, 1961 में दी थी, ओके। अब अगर अपन बात करें, इट इंप्लाइज दैट इंडिविजुअल आर रेशनल, ये क्या कहता है कि इंडिविजुअल क्या है, रेशनल है, समझदार है, एंड यूजेस ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजन, और वो क्या करता है, सारी इंफॉर्मेशन को लेके चलता है डिसीजन लेने के लिए, जो करंट भी होगी वो भी और जो प्रीवियस होगी वो भी, समझे। और अपन इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच इसको
मानते हैं। तो अगर मैं आपको रिकैप करूं कि अपन ने कैसे क्या से पढ़ा, क्या पढ़ा, तो अपन ने पढ़ा, एक पढ़ा अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस और एक पढ़ा रेशनल एक्सपेक्टेशंस। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस में अपन पास्ट को लेके चलते हैं, रेशनल एक्सपेक्टेशंस में अपन पास्ट प्लस फ्यूचर लेते हैं, पास्ट प्लस प्रेजेंट लेते हैं, ठीक है, ये अपन लेते हैं। फिर अगर अपन और बात करें तो अपन ने और क्या देखा, अपन ने देखा इसको फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, ठीक है, इसको कहते हैं बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, ओके। फिर इस ये दी थी मिल्टन ने, मिल्टन फ्रिडमैन, और ये दी थी जे एफ मुट ने, ओके, ये अपन ने देख लिया, समझ गए इस बात को। अब ये दोनों चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, ये दोनों चीज़ें यूज़ होती है फ्लिप्स कर्व में, और एक दो चीज़ें और है जिसके अंदर ये यूज़ होती है, बट अपन को मेनली मान के चलना ये फ्लिप्स कर्व में यूज़ होती है। जब अपन लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व पढ़ेंगे तब यहाँ वहाँ पर ये चीज़ यूज़ बहुत अच्छी तरीके से होने वाली है, तो ध्यान रखना आप इस बात को, नेक्स्ट वीडियो में अपन लॉन्ग रन फ्लिप्स कर्व करने वाले हैं, ओके। तो रेशनल एक्सपेक्टेशंस और अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।